रजनीकांत का अमेरिका में होगा मेडिकल चेकअप, दो हफ्ते रहेंगे। दक्षिण भारतीय फिल्मों के भगवान माने जाने वाले रजनीकांत आज रात दो हफ्ते के लिए अमेरिका रवाना हो रहे हैं। वो वहां अस्पताल में भर्ती होंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रजनीकांत अपना रूटीन मेडिकल चेकअप करवाने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। सोमवार को रात करीब 10 बजे वो चेन्नई से अमेरिका के लिए रवाना होंगे और करीब दो हफ्ते तक अमेरिका में रहेंगे। ये उनका सिर्फ रूटीन मेडिकल चेकअप होगा, इसलिए उनके फैंस को चिंता की कोई जरूरत नहीं है। रजनीकांत को जल्द ही राजनीति में सक्रिय होना है, जिसके लिए वो अपना फिल्मी कमिटमेंट पूरा करना चाहते हैं। बताया जाता है कि अमेरिका से लौटकर वो कार्तिक सुबराज की फिल्म शुरू करेंगे और उसे जल्द से जल्द पूरा भी कर देंगे। इस बीच रजनीकांत की फिल्म काला, जो कि 27 अप्रैल की रिलीज से पहले ही हट गई थी, अब 7 जून को रिलीज होगी। पी ए रंजीत निर्देशित काला मुंबई की पृष्ठभूमि में एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म में रजनीकांत ने डॉन की भूमिका निभाई है। ये तमिलनाडु से भागकर मुंबई आए ऐसे आदमी की कहानी है जो धारावी इलाके में अपना सिक्का चलाता है। ये रजनीकांत की 164वीं फिल्म है। हाल ही में मुंबई में इसकी शूटिंग की गई थी, तब इस फिल्म में काम कर रहे नाना पाटेकर, उमा कुरैशी और पंकज त्रिपाठी ने भी भाग लिया था। फिल्म को सेंसर ने 14 कट्स के साथ पास कर दिया है। काला तमिल और तेलुगु के अलावा हिंदी में भी रिलीज की जाएगी। 2 साल पहले रजनीकांत की कबाली रिलीज हुई थी और तब से बड़े पर्दे पर उन्हें देखने के लिए उनके फैंस तरस रहे हैं। वो इस साल 26 जनवरी के मौके पर ही आने वाले थे अपनी फिल्म 2.0 के साथ, जिसमें अक्षय कुमार भी विलेन के रोल में हैं। हालांकि इस फिल्म की रिलीज को बार बार टाला जा रहा है, ऐसा फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स का काम पूरा नहीं होने की वजह से हो रहा है। फिल्म की रिलीज डेट अब भी तय नहीं है और कहा जा रहा है कि फिल्म अब नवंबर या दिसंबर में रिलीज हो सकती है।